सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास जिला के नोखा विधानसभा के राजपुर में चुनावी सभा किया। उन्होंने राजपुर के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पति पत्नी की सरकार में अपराध चरम पर था, कारोबार खत्म हो गए थे, लेकिन आज बिहार का गौरव फिर से लौटा है और बिहार विकास के प्रगति पर अग्रसर है। 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में दिया, 3 बार चुनाव हो चुका। अगर हम 15 साल से हैं तो भूल जाते हैं, हमसे चिढ़ हो गई है। जरा बताइए, 15 साल से है तो बिहार में कितनी महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में जन प्रतिनिधि के रूप में है, क्या अच्छा नहीं लगता है? कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत कदवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 में बन रहे आंगनबाड़ी भवन का स्थानीय वार्ड सदस्य विजय कुमार व आसपास के लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश महतो पर कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। वार्ड सदस्य विजय कुमार ने बताया कि मनरेगा योजना से आंगनबाड़ी केंद्र का घटिया सामग्री से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लाल बालू की जगह सफेद बालू को निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है। वही मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश महतो ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मैं मुखिया प्रतिनिधि राम प्रवेश महतो, आज जो भी आरोप लगाया है ये सब बेबुनियाद है। मनरेगा के तहत काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, 1 नंबर ईंट से, चोपरा बालू से बढ़िया सीमेंट है। और जो विजय बाबू बोल रहे हैं, विजय केवर जी, आज अपना झांक के देखे कि वो 7 नीचे का काम किए हैं, कैसा किए हैं और आवास में क्या किए हैं, पूरा पंचायत में, पूरा वार्ड में, वार्ड तो छोड़ के दूसरे वार्ड में भी वसूली किए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी बना है, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र देखिए बन रहा है, बहुत अच्छा आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं है और ठीक ठाक से बन रहा है। इन लोग का सिर्फ है कि हमको दलाली चाहिए, काम हो नहीं हो इन लोग को पैसा चाहिए। तो क्या बन रहा है, कौन सा भवन बन रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। किस तरह से बन रहा है? बन रहा है 3 नंबर 2 नंबर ईंटा लग रहा है, बालू जो पहले तो सादे बालू से हो रहा है काम, अभी एक गाड़ी गिराए थे वो लाल बालू। अच्छा, वो भी मिक्स है। मिक्स है, उसमें सादा भी है। सर यहाँ पर ये कदवा पंचायत के वार्ड संख्या 3 में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसका जो कार्य जिस हिसाब से होना चाहिए, जैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, वैसी गुणवत्ता नहीं देखी जा रही है काम में। लाल बालू के जगह सादा बालू चलाया जा रहा है, घटिया टाइप का सीमेंट है और ये ईंट जो लग रहा है, ईंट भी 1 नंबर का ईंट नहीं है। ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जा रहा है, ये 6 महीने के अंदर स्वतः ढह जाएगा। भागलपुर थाना क्षेत्र के तिनतंगा जहाज घाट पर दशहरा के मौके पर स्नान करने गया युवक गंगा में डूब गया। मिली जानकारी के अनुसार 83 गांव का 17 वर्षीय नीतीश कुमार स्नान करने गंगा तट गया था, जहां गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। वहीं स्थानीय गोताखोर की सहायता से युवक की तलाश की जा रही है। बच्चा क्या नाम था? उमर। पिताजी उसका क्या नाम है? क्या नाम? सिकंदरा चौक पर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 1 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं उस वाहन से सिकंदरा के वर्तमान विधायक बंटी चौधरी का बैनर और पोस्टर भी बरामद किया गया है। इस दौरान पुलिस ने विधायक के निजी सचिव इफ्तिखार हुसैन उर्फ गुड्डू कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। वहीं जब्त रुपए का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। सर, मैं जमुई से चला था अपनी बहन के जाने के लिए, मेरी बहन अलीगंज में रहती है, हाँ चौड़ में, मैं वहाँ जा रहा था, अपने दोस्त रवि से लोन लिया था 1 लाख रुपये। तो जैसे ही आपके गाड़ी में बैनर पोस्टर पकड़ाया है जी, वो बैनर पोस्टर कहाँ से आया? वो प्रेस वाले ने दिया। कौन प्रेस थे? पूनम प्रेस। किस लिए आप लिए थे? नहीं, वो बोला था कि अलीगंज में दे दीजिएगा। कौन कहा था देने के लिए? किस पार्टी का बैनर पोस्टर? किस पार्टी का बैनर पोस्टर है वो? SST के कार्यकर्मी और SSB के साथ सघन जांच के दौरान
एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, उसमें 8 बैनर, चुनावी बैनर 8 बैनर के किसके नाम से था सर? और महागठबंधन के नाम पे बैनर है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के बंटी चौधरी का मतलब बैनर है छपा हुआ, बंटी चौधरी और महागठबंधन का फोटो है और उसमें 1,00,000 रुपया बरामद किया गया। आरजेडी सुप्रीमो से आश्वासन मिलने के बाद भी टिकट न मिलने से नाराज मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी हैदर आजाद ने कांटी विधानसभा क्षेत्र के नरसंडा स्थित अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीते दिनों भी राजद के पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम ने भी इस्तीफा दे दिया था। आज हम राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे रहे हैं और मैं लगातार 20 वर्षों से पार्टी के लिए और कांटी विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए सेवा में लगा रहा। हमें विश्वास था कि आज राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में मुझे लड़ाएगी और मैं जब 13 जून को 12 जून के लालू जी के जन्मदिन पर मैं लालू जी के जन्मदिन पर कांटी में भोज किया, उसके बाद मैं रिम्स में जाकर 13 जून को मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आश्वासन दिए कि जाओ इस बार तुमको लड़ना है। हम आश्वासन के बाद यहाँ आए और क्षेत्र में हम लगे रहे, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस टिकट को काट दिया गया। बक्सर में चुनाव नजदीक आते ही शराब की तस्करी जोरों पर है। बता दें कि उत्पाद प्रशासन की विशेष कार्रवाई के तहत बक्सर जिले के मिश्रवालिया घाट से शराब से भरी एक नाव को बरामद किया गया है, जिस पर 15 पेटी शराब लदी हुई थी। वहीं मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये शराब जो है हम लोगों के द्वारा नदी गश्ती का अभियान पिछले कुछ दिनों से चलाया जा रहा था, इसी क्रम में आज सुबह में लगभग 4 बजे के आसपास नदी गश्ती के क्रम में हम लोग गुप्त सूचना मिली कि मिश्रौलिया घाट के आसपास नदी के रास्ते नाव के द्वारा कुछ मालों का तस्करी, शराब की पेटियों का तस्करी किया जा रहा है। हम लोगों ने तत्काल वहां पर पहुंचकर और नाव को चेक किया, यूपी की तरफ से आती हुई एक नाव को चेक किया गया। उस नाव में हमें शराब की पेटियाँ छिपाई हुई। कितना पेटी था सर? शराब की पेटियां लगभग 15 पेटी शराब था। दूसरे चरण में बख्तियारपुर विधानसभा में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। बता दें कि बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ प्रखंड कार्यालय के समीप SH 106 और बख्तियारपुर बिहार शरीफ सड़क मार्ग के NH 31 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के साथ साथ पुलिस ने वाहनों के कागजात भी चेक किए और जिनके वाहनों के कागजातों में कमी पाई गई उनके वाहनों को जब्त किया गया। वहीं थाना अध्यक्ष कमलेश कुमार शर्मा ने अर्धसैनिक बलों के साथ बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सड़कों पर वाहनों से मार्च भी किया। ताजा मामला धनरुआ थाना क्षेत्र के नदपुरा गांव का है, जहां शराब बना रहे शराब कारोबारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने करीब 100 लीटर शराब जब्त कर थाने में ले आई। इधर शराब कारोबारी के घर पर अचानक आग लग गई। वहीं धनरुआ थाना अध्यक्ष से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी भागने के क्रम में चूल्हे को जलते छोड़ दिया, जिसके कारण घर में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आग को बुझाया। आप लोग घर पर नहीं थे? धान काटे गए थे, जब धुआं देखे घर में तो दौड़ आए हैं, हंसो तसो बिग बाग के खेत में से। खेत में से बिग बाग का है। और सब यहाँ नतपुरा के जो आदमी हैं, जो भी सब प्रशासन को ही गलती लगा रहे हैं। ये नीतीश बाबू के सुशासन में बताइए कितना गुंडागर्दी चल रहा है, आखिर इसके बारे में सब आए हुए हैं जांच पड़ताल के लिए। इस पे हम लोग विनम्र करेंगे कि इसको
इस पर सरकार से विलंब करते कि इस पर कार्रवाई किया जाए। देखिए कितना है जिसका पूरा जो खाने का पूरा बर्तन है वो पूरा जला दिया, पूरा इसका घर जला दिया है। ये धनरुआ